नमस्कार। आज हम देख रहे हैं सारणिक डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स सारणिक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सारणिक क्या होता है। माना कि अपने पास में कोई एक मैट्रिक्स है ए ए आई जे, एक एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है। एन क्रम का मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या एन है। तो ये अपने पास में एक एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है। तब एक अद्वितीय संख्या डिटरमिनेंट ए आई जे, इस संख्या को हम सारणिक कहते हैं। मैट्रिक्स ए की सारणिक कहते हैं और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं मोड ए के द्वारा या डिटरमिनेंट ए के द्वारा। तो अपने पास में अगर कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स है एन क्रम का, तब अद्वितीय संख्या जो इस प्रकार से बनती है डिटरमिनेंट ए आई जे, जिसको आप डिटरमिनेंट ए से रिप्रेजेंट करेंगे या मॉड ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम सारणिक कहते हैं। अब बात करते हैं सारणिक का मान। सारणिक का मान हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो अब हम देखते हैं। अब सबसे पहले सपोज सारणिक एक क्रम का हो, एक क्रम का सारणिक, तो एक क्रम का जो सारणिक है इसका मान देखेंगे हम एक बार। सपोज माना कि जैसे मैट्रिक्स है आपके पास में ए, एक क्रम का मतलब एक ही पंक्ति होगी, एक ही स्तंभ होगी, कुल मिला के केवल एक ही एलिमेंट होगा, जैसे हमने ये लिख दिया। अब इसकी सारणिक का जो मान आएगा वो आप इस प्रकार से लिखते हैं और ये आपके पास में आएगा तीन। इसी प्रकार से जैसे मैं कहूं कि सपोज मैट्रिक्स ए अपने पास में ये होता जिसमें एलिमेंट है माइनस तीन, तब इसकी सारणिक का जो मान है डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये भी आपके पास, ये आपके पास में आ जाता माइनस तीन। ध्यान रहे ये मोड नहीं है, सारणिक है। तो सारणिक और मापांक दोनों अलग अलग चीजें। मोड में तो आप जानते हैं मोड अगर होता है तो मोड माइनस तीन तीन के बराबर होता है, लेकिन यहां ये मोड नहीं है, सारणिक है, इसलिए माइनस तीन है तो माइनस तीन ही आएगा। अब हम बात करते हैं द्वितीय क्रम के सारणिक का मान। द्वितीय क्रम के सारणिक का मान सपोज अपने पास में कोई भी मैट्रिक्स है, इस प्रकार से लिखा मैंने ए वन बी वन ए टू बी टू, ये द्वितीय क्रम का सपोज कोई सारणिक है। द्वितीय क्रम का मतलब दो पंक्तियां और दो स्तंभ है। तो अब इस सारणिक का मान हम किस प्रकार से देखेंगे, देखिए डिटरमिनेंट इक्वल टू मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा माइनस पार्श्व विकर्ण के अवयवों का गुणा। तो ये आपके पास में आ जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये अपने पास में द्वितीय क्रम की सारणिक का मान आ गया। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर अपन सपोज एक मैट्रिक्स ए अगर हम इस प्रकार से लिख दें, सपोज ये सारणिक है, इसका मान देखना है आपको तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 12 और 12 ये आ गया आपके पास में 24। तो इस प्रकार से कोई भी द्वितीय क्रम की सारणिक अगर अपने पास में होती है तो उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तृतीय क्रम की सारणिक का मान। तृतीय क्रम की सारणिक का मान सपोज
एक तृतीय क्रम का मैट्रिक्स अपने पास में इस प्रकार से ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। अब देखिए तीसरे क्रम का ये जो सारणिक बना अपने पास में, इसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ का चयन कर सकते हैं। सपोज हम पहली पंक्ति से अगर सारणिक का मान ज्ञात करें तो एक बात तो ये जो इसके एलिमेंट्स हैं इनके पर चिन्ह डिसाइड कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमने ए वन ने लिखा और चिन्ह हमने यहां पर कर दिया पॉजिटिव है ना, एकांतर क्रम में से ये रहेंगे चिन्ह पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ए वन ले लिया। अब ये देखिए ए वन पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित है, इसलिए हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देते हैं। इनको अगर छोड़ दें, इधर से पहली पंक्ति को छोड़ दिया, इधर से पहले स्तंभ को छोड़ दिया, तो आपके पास में ये बचा B2 C3 और C2 C3, ये B3 है सॉरी। इसके बाद माइनस B1, माइनस B1। तो अब आपके बाद B1 को देखिए पहली पंक्ति में है दूसरे स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को आप छोड़ दीजिए तो आपके पास में बचा A2 A3 C2 C3, फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्लस C1 और C1 को देखिए पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में स्थित है, इसलिए आप पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो A2 A3 B2 B3 A2, A3, B2, B3। अब ये अपने पास में द्वितीय क्रम के सारणिक बन गए और द्वितीय क्रम के सारणिक का मान तो हम जानते ही हैं। तब ये अपने पास में बनेगा A1 मुख्य विकर्ण क्रमों का गुणा B2, C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2। प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। तो ये अपने पास में आ गया तीसरे क्रम के सारणिक का मान। एक एग्जांपल से हम देखें, सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिखा ए, एलिमेंट सपोज इस प्रकार से हैं वन टू वन माइनस वन फोर थ्री एंड थ्री वन टू। सपोज ये मैट्रिक्स है, इसका मान ज्ञात करना हो, इसकी सारणिक का मान ज्ञात करें तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू सारणिक लिख दिए एक बार तो वन माइनस वन थ्री टू फोर वन एंड वन थ्री टू। देन डिटर्मिनेंट इक्वल टू चिन्ह अभी देखा था हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी प्रकार से लेना। तो पहला एलिमेंट या वन आ गया डॉट सारणिक। अब देखिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए तो आ जाएगा फोर वन थ्री टू, फिर माइनस एलिमेंट आ गया टू, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो छोड़ दीजिए माइनस वन थ्री थ्री टू,
प्लस वन, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो माइनस वन थ्री एंड फोर वन। इसको अगर सोल्व कर दिया जाए वन डॉट एट माइनस थ्री माइनस टू, तो माइनस टू माइनस नाइन प्लस वन माइनस वन माइनस ट्वेल्व फाइव, और फाइव डॉट वन फाइव ही आ जाएगा माइनस, ये माइनस के इलेवन हो गए और टू से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी टू, और ये हो गया माइनस थर्टीन। इसको अगर आप सोल्व कर दे तो यह आ जाएगा फोर्टीन। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं तृतीय क्रम के सारणिक का मान।